नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया। और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। अजमेर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रतिदिन अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज भर्ती हो रहे हैं। चिकित्सा विभाग द्वारा जारी मीडिया ब्रीफिंग के अनुसार डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने बताया कि ब्यावर के 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। सभी 5 मरीजों का इलाज ब्यावर के अस्पताल में जारी है। वहीं आज 3 कोरोना मरीजों को उनके लक्षण रहित होने के कारण कोविड केयर सेंटर में भेजा गया। अगर हम आज की बात करें तो अभी हमारे पास जेएनएन हॉस्पिटल में कोई पॉजिटिव मरीज भर्ती नहीं हुआ है आज की तारीख में। लेकिन कल जो मरीज भर्ती हुए उसमें एक सिविल लाइन थाने के ASI महोदय थे, ब्यावर के रहने वाले, एक पुष्कर से नगर निगम के कर्मचारी थे और इसके अलावा भी दो व्यक्ति पुष्कर के और थे। वो सब जानकारी है आप लोगों को, फिर भी मैं बता देता हूँ। अभी जो रिपोर्ट हमारे पास पॉजिटिव आई है उसमें 5 पेशेंट ब्यावर के पॉजिटिव आए हैं जो अभी ब्यावर में ही भर्ती हैं और वो अनफॉर्चुनेटली 2 फैमिली के हैं और उनके फैमिली के लोग ऑलरेडी हमारे यहाँ एक पॉजिटिव करके भर्ती हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये कहानी तो पॉजिटिव की नई मरीजों की भी। इस वक्त अभी हमारे पास पॉजिटिव वार्ड में 29 पेशेंट हैं। उसमें से 3 मरीजों को हम उसमें भेज रहे हैं कोविड केयर सेंटर में। बाकी मरीज जो भर्ती हैं उसमें से 2 पेशेंट सीरियस हैं, एक वेंटिलेटर पर हैं, एक हाई फ्लो ऑक्सीजन पर हैं, 3 मरीज बाईपैप मशीन पर हैं, 6 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। तो ये हम सबको सीरियस ही मानते हैं। इस तरीके से सस्पेक्ट वार्ड में हमारे पास में 35 से भी अधिक मरीज हैं जिनमें से 3 मरीज बाईपैप मशीन पर हैं। जो इसके अलावा जो पेशेंट हैं वो सभी ठीक हैं और हम उनकी रिपोर्टों का वेट कर रहे हैं। जो अगर उनकी रिपोर्टें ठीक आएंगी तो और मरीजों को भी हम कोविड केयर सेंटर में भेज पाएंगे। अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी ने अजमेर शहरवासियों से अपील की है कि कोरोना महामारी से बचें, आवश्यक हो तो घर से निकलें और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए उचित खान पान की ध्यान रखें। ये जब बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री और सभी कह रहे हैं, सारे सब कुछ कह रहे हैं कि भाई हमें 2 गज की दूरी बना के रखनी है, अनावश्यक हमें घर से बाहर नहीं जाना है, और ऐसी स्थिति के अंदर हम सबको सावधानी रखने की ज़रूरत है। हम जहाँ सार्वजनिक जगह पर हम घर से बाहर निकले तो हमें मास्क और लगा के रहना है, दूरी डिस्टेंस बना तो के हम। आप लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है? कुछ तैयारी करी है क्योंकि इतना बढ़ रहे हैं आने वाले समय? देखिए, आपकी तरफ से प्रशासन को या कुछ? देखिए, तैयारी की तो सारी सब कुछ केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पूरी गाइडलाइन दे रखी है। सही, पर यहाँ पे तो बहुत स्थिति खराब होने वाली लग रहा है सर, क्योंकि मामला बढ़ ही रहा है। देखिए, जून में जो बाद में हो गया ना उधर, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आम जनता से भी कि वो लापरवाही नहीं बरते, दूसरा प्रशासन को भी देखना चाहिए। बड़लिया गांव में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब पालतू गाय के 4 पैरों को दूसरे खेत मालिक ने कुल्हाड़ी से जख्मी कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंचे गाय मालिक और गांव वासियों ने हमलावर सोहन सुरता के खिलाफ आदर्श नगर थाना पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। आदर्श नगर थाने के सब इंस्पेक्टर कन्हैयालाल ने बताया कि बड़लिया गांव निवासी कुलदीप ने शिकायत दी है कि गांव में ही रहने वाला सोहन सुरता ने उनके पालतू गाय के 4 पैर काट दिए। आज सूचना मिली कि गांव बड़लिया में गाय के किसी ने पैर काट दिए और कुलदीप ने रिपोर्ट दी है कि सोहन वीरम ने ये गाय सोहन सुरता ने गाय के पैर काटे, जिस पर मैं मौके पर आया हूँ। गाय का मेडिकल के लिए भिजवा रहे हैं, जिसके खिलाफ रिपोर्ट दी है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसको गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और गाय को मेडिकल के लिए भिजवाया जा रहा है। कारण क्या बताया काटने का? कारण तो इन्होंने कोई स्रोत बताया नहीं, जब तक वो नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा। वही गाय मालिक कुलदीप ने बताया कि उनके पास में सोहन सुरता का खेत है जहाँ पर उनकी गाय चरने चली गई थी, जिस वजह से उसने यह वारदात को अंजाम दी। गाय मालिक है भैया, क्या आपको सूचना मिली थी सुबह? और सुबह 6 बजे कॉल आया था सर मेरे पास में। हाँ। और उसी ने व्यक्ति ने फोन करके बोला कि तुम्हारी गाय वहाँ ऐसे ऐसे पड़ी है और एक्सीडेंट वगैरह हो गई है। तो यहाँ उजाड़ के अंदर एक्सीडेंट कहाँ होगा सर, यहाँ कोई गाड़ियाँ आती नहीं है। सर आम दिख रहा है सर, कुल्हाड़ी से मारी हुई है इसके, पहले भी एक दो बार पहले भी किया किसी और गए होंगे।
तो हमारी गाय थी, तो इन्होंने फ़ोन करके बोला, तो मैं आया, तो उसने मेरे को ला के बताया यहाँ पे, फिर मेरे को ज्ञान देने लग गया कि ये पहाड़ी में उस खान में कूद गई, वहाँ कूद गई है, एक्सीडेंट हुआ हुआ है, तारों में फंस गई है, वो झाड़ियों में फंस गई, झाड़ियों में फंसा हुआ लगता है कि सर ये सराम दिख रहा है, कुल्हाड़ियों से मारा हुआ है सर। क्यों मारा, क्या कारण है सर? उसके खेत में जाने के कारण मारा उसने। किस तरीके से अभी गाय को आप देख रहे हो, क्या हो रखा है गाय में? सर कुल्हाड़ी मारी हुई है पैरों पे, चारों पैरों पे कुल्हाड़ी मारी हुई है सर, आम खून निकल रहा है गाय के। अच्छा, पुलिस को और प्रशासन को आपने इत्तला दी, कितनी देर हो गई? सर 8 बजे दे दी सर। अनियंत्रित कार ने आज सुबह सिने वर्ल्ड सिनेमा हॉल के सामने 3 ठेलों को जबरदस्त टक्कर मार दी। दुर्घटना में पोहे का ठेला लगाने वाला युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शी कर्तव्य मीणा ने बताया कि आज सुबह मित्तल अस्पताल की ओर से तेज रफ्तार से आई कार ने दुर्घटना की। गनीमत रही मॉर्निंग वॉक करने आई लड़कियां कार की चपेट में नहीं आई, वरना बड़ा हादसा हो जाता। बहरहाल क्रिश्चनगंज थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तकरीबन 1 घंटे पहले मित्तल साइड से एक गाड़ी आती है, 2 ठेलों का टक्कर मारती हुई आगे आती है। उस एक्सीडेंट इतना मेजर था कि उसके अंदर एक कोए का ठेला लगाता है, उसके सिर में बहुत ज़बरदस्त लगी, उसकी हालत बहुत सीरियस है। हम लोगों ने उसको हॉस्पिटल भिजवाया और यहाँ 3-4 लड़कियाँ खड़ी थी मॉर्निंग वॉक के लिए आई, वो बाल बाल बची है। कोए वाले का सामान पूरा चौराहे पे बिखर गया और इस परिस्थिति ये हुई, अफरा तफरी का माहौल हो गया और उसकी बड़ी दयनीय स्थिति है। अब क्या होता है आगे, कुछ नहीं, हम लोगों ने हॉस्पिटल भिजवाया उसको, कोए वाले को। अभी स्थिति क्या है वाकिफ नहीं है। सर क्या नंबर है गाड़ी का? गाड़ी नई है, नंबर नहीं है। गाड़ी के अंदर 2 जने बैठे थे, एक जना ड्राइविंग कर रहा था, एक जना साइड में बैठा। बलात्कार पीड़िता ने आज जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अभियुक्त मदार निवासी प्रयाग जैन से जान माल की सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई है। पीड़िता के साथ SP कार्यालय आई पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत कपूर ने बताया कि अभियुक्त के रिश्तेदार पीड़िता को आए दिन डरा धमका कर राजीनामा करने का दबाव बना रहे हैं। इस बच्ची के साथ रेप हुआ है और रेप होने के बाद जबरदस्ती राजीनामा करना चाहते हैं। ये राजीनामा नहीं करना चाह रही है, ये न्याय चाहती है, इसको न्याय दिलाना चाहती है। SP साहब ने कहा मैं फुल न्याय दिलाऊंगा। कौन लोग हैं वो? प्रयाग जैन, जैन है जो मदार में रहते हैं, उनके चाचा है, बाबा है, सब इसको धमकी दे रहे हैं। पहले भी मामला दर्ज किया था थाने में? हाँ, थाने में मामला दर्ज किया, उन्होंने सपोर्ट करा है पूरा इस बच्ची का। और अभी 164 के बयान भी हो गए हैं, देखो क्या करते हैं ये लोग आगे। इनको इस बच्ची को न्याय तो हमें 100% दिलाना और दिला के रहेंगे। क्या कहा इस SP साहब ने कहा बिल्कुल न्याय दिलाएंगे, अगर आपके साथ गलत हुआ तो हम न्याय दिलाएंगे। पुष्कर के छोटी बस्ती क्षेत्र के मेलूड गवाड़ी में एक मकान में अचानक अज्ञात कारणों से एक गैस सिलेंडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग में घर का काफी सामान जलकर राख हो गया। आसपास के क्षेत्रवासियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सिलेंडर को घर से बाहर निकाला गया। क्षेत्रवासियों की सजगता से बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय पार्षद और पालिका उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि ने प्रशासन से पीड़ित परिवार की सहायता की मांग की है। मैं तो ना बैठी थी, साग बंदार करके रख दिया और दूध गर्म करके रख दिया, भगोने चढ़ाई थी सब्जी छोंकने के लिए। और उसके बाद में क्या हुआ कि सू बोलते ही मैंने कहा किधर सू बोला, जब मैं फटाफट ना उसको देखा तो उसमें वापस आग लगते हुए दिखी, मैं तो बाहर आ गई। बाहर आकर के और सिलेंडर को थोड़ा सा टेढ़ा करके मैं तो बाहर निकल के आ गई। फिर क्या आपको क्या लगा, आपको डर लगा? मेरे को डर लगा, भभकने पूरा भभक गया, फिर बोरिया वगैरह कम्बल वगैरह सब पटके, उसके ऊपर गीला करके कम्बल भी पटके तो भी नहीं भिजा वो, और दरिया वगैरह वो तो जली गई। अच्छा, कोई सिलेंडर फटने की आवाज आई? फटने की ना, सू एकदम बहुत तेज बोला। अच्छा, बस यही आवाज आई थी, सू बोलते और आग पकड़ ली और फटे फटा ना जहाँ पे एकदम सू बोल के हवा से निकली। पुष्कर में रविवार को सादगी और लॉकडाउन के तहत सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए कई मठ मंदिरों सहित कई आश्रम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव शुष्क रूप से मनाया जाएगा। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जा रहा है। पुष्कर के समीप ग्राम गनाएड़ा स्थित मुरारी बापू आश्रम और पुष्कर पंचकुंड रोड स्थित आशाराम आश्रम सहित कई आश्रमों में गुरु शिष्य का पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान सरकार और प्रशासन की ओर से कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन की पूरी तरह पालना की जाएगी।
पूर्णा पूजन प्रातःकाल 8 बजे से 5 बजे तक समय रखा गया है। हम लोग आश्रम के तहत सभी कार्यकर्ता मिलकर के बीच बीच में सोशल मीडिया का जैसे पालन करते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए हम लोग गुरु पूजा करेंगे, दूरी बनाए रखेंगे और कोई ऐसा विशेष भंडारे का कार्यक्रम इत्यादि वगैरह नहीं रखा गया है। केवल दर्शन भाव दूर से पूजन भाव के लिए कल आज जो सत्संग है तो लोगों को संदेश दे रहे हैं कि कल इस तरह की आश्रम पर पूजन होगा। और यूट्यूब पर भी भक्त लोग कहीं कहीं से लाइव देंगे, तो उस लाइव का मार्गदर्शन से वो लोग अपने घर पर स्वतः ही पूजन करेंगे और दर्शन करके सब लोग वापस जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम घनश्याम दास। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर आज तोपदड़ा स्थित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने विवेकानंद का दुग्ध अभिषेक और पुष्पांजलि अर्पित की। आज हमने तोपदड़ा स्कूल में स्वामी विवेकानंद जी की 118वीं पुण्यतिथि पे उनकी प्रतिमा पर दुग्धाभिषेक करके जलाभिषेक कर गया और माल्यार्पण करके उनको पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि हृदय की गहराई से श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत है और सभी युवाओं को उन्हें पढ़ना चाहिए और उनके बारे में जितना पढ़ा जाए उतना कम है। उनसे युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए और एबीवीपी के भी स्वामी विवेकानंद जी प्रेरणा स्रोत है, आदर्श पुरुष है और आज हमने उनकी जयंती को माल्यार्पण करके उनकी पुण्यतिथि भी मनाई। जेलेन अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग में चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी, सफाई कर्मी पॉजिटिव आने के बाद अब ड्यूटी दे रहे नर्सिंग कर्मियों ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंप कर कार्डियोलॉजी विभाग को सीज करने सहित बचे हुए नर्सिंग कर्मियों को क्वारंटाइन करने की मांग की है। जी, हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमने सुपरिटेंडेंट सर से मांग की थी, जैसा कि आप सबको भी ध्यान है, अखबारों में भी आ रहा है, मीडिया में भी आ रहा है कि कार्डियोलॉजी विभाग के अंदर कंटिन्यू हमारे नर्सिंग स्टाफ, स्वीपर, वार्ड बॉय से लेकर डॉक्टर तक पॉजिटिव आ रहे हैं। अब तक 17 पॉजिटिव आ चुके हैं किंतु अभी भी ये बिल्डिंग बदस्तूर जारी है, जबकि नियमानुसार इस बिल्डिंग को सीज किया जाना चाहिए और सारे स्टाफ को क्वारंटाइन किया जाना चाहिए 14 दिन के लिए, ताकि यदि हम लोगों में लक्षण आते हैं बीमारी के तो उसके जाँच हो सके और हमसे दूसरों में यह पब्लिकली स्प्रेड ना हो। अब यहाँ भर्ती होने वाले मरीजों का क्या दोष है जो कि हम सस्पेक्टेड स्टाफ से वो अपनी सेवा करवा रहे हैं और वो अपने इलाज लेने के बजाय वो यहाँ से कोरोना नहीं लेके चल जाए, ये हमें डर है। तो हमारी मांग यही है कि ये बिल्डिंग को सीज करके और सारे स्टाफ को क्वारंटाइन किया जाए 14 दिन के लिए। विधायक अनिता बदेल ने शनिवार को वार्ड नंबर 38 कपिल वस्तु कॉलोनी कुशाल वाली गली में 13,55,000 रुपए की राशि से नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। ये कपिल वस्तु कॉलोनी है, कपिल वस्तु कॉलोनी में 13,55,000 रुपए की लागत से नालियों का निर्माण कार्य किया जा रहा है और ये नालियों का निर्माण कार्य पूर्ण होने से एक कॉलोनी की जो आप देख रहे हैं सड़कें बनी हैं, ये सड़कें भी मेरे विधायक कोष से ही बनी हैं और नाली बनने के बाद में संपूर्ण कॉलोनी का विकास पूर्ण होगा।